डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशनल चैनल, यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशनल चैनल। हाँ जी, स्टूडेंट कमेंट्स आ रहे थे कि उनको चैनल नहीं मिल रहा था और परेशान हो रहे थे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था जिसकी वजह से वो चैनल का मसला था, लेकिन वो तो अगर आप सर्च भी करें ना अलकलम एजुकेशनल चैनल, तो आराम से जो है वो आपको मिल जाएगा, नाम से आपको चैनल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इससे जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोबारा से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियोस आए उसको आप उसकी आपको अपडेट्स मिल सके। इसलिए मैंने कल भी यही वीडियो में बात की थी कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो दोबारा से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और घबराने परेशान होने की कोई बात नहीं है, जो काम स्टार्ट करवाया है उसको पूरा अंजाम तक लेके जाएंगे, कि स्टूडेंट ध्यान से बिल्कुल ना घबराए। ये चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि स्टूडेंट की हेल्प की जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो आगे ज़िंदगी में जो है बढ़ सके, उनके लिए परेशानियां पैदा नहीं करनी, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है इजी वे में, ठीक है। तो टेंशन आपने बिल्कुल नहीं ली, अकाउंटिंग के भी लेक्चर आ रहे हैं, स्टैट के भी आ रहे हैं, इसके अलावा कॉमर्स या इकनॉमिक्स की, बंकारी की, जराफिया के भी क्वेश्चन शॉर्ट आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी आ रहे हैं। बस आपने हमारी इस वीडियो के साथ जो है बने रहना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके साथ साथ जो बच्चे गुजरा वाले पोर्ट से भी हैं, लाहौर पोर्ट से भी हैं, उसका भी आप पैटर्न आपको बता देंगे, ताकि आप टेंशन ना लें। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है, आपको कोई मसला हो आप कमेंट्स करें, हमारा जो है ईमेल आईडी है yahoo77@gmail.com, वहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। जवाब आपको लाजमी दिया जाएगा, चाहे उस वक्त ना हो, क्योंकि बास बात बिजी होते हैं, लेकिन रात को आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं, तो शुरू करते हैं। पहले आपको 30 आइडियम्स दिए थे, उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। तो आज भी हम चलते हैं अगले आइडियम्स की तरफ है, साथ साथ तैयारी करें, मज़मून भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इंशाल्लाह पेपर उसमें से ही आएगा। बस आप लोगों ने तैयारी करनी है और हमारी इस वीडियो के साथ बने रहना है, ठीक है। उसने कल 30 किए थे और 31 पे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द वीडियो जो है अपलोड कर दिए, ताकि आप जो है तैयारी में लगे रहें, ठीक है। एंड एप्पल ओ वंस आई, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत अजीज़ होना। अजीज़ होना मतलब प्यारा होना, ठीक है, किसी के नज़र में बहुत प्यारा होना। 32, जिसे अक्सर आपने फिक्रा सुना होगा, आंख का तारा, ये वो वाला फिक्र है। एंड एप्पल पाई ऑर्डर, तरतीब से, ये सारी फिक्रे आपको आपकी ग्रामर से मिली जाएंगे, जो ग्रामर इस्तेमाल आप करते हैं। अगर आपको कोई फिक्रा नहीं मिलता ना, तो आप कमेंट्स करते हैं या बताते हैं, हम उस पर वीडियो बना के ना सेंटेंस आपको दे देंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जो मसले होगा आप उसे लाजमी कमेंट्स में करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले को हल करने की, ठीक है। अब 33 पे आते हैं, आपके पास है आफ्टर वंस ऑन हार्ट, ठीक, अपनी पसंद के मुताबिक खोना। उम्मीद है राइटिंग की समझ आ रही होगी, अगर नहीं भी आ रही ना तो वो आपने लाजमी बताना है, जो भी मसले हो उसको लाजमी क्लियर करें, क्योंकि जब आप बताएंगे तो फिर हम उसको हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद 34 है, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड ही टी लगा हुआ, ठीक है, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, द हगानी आफत, आफत या आप मुसीबत कह लें। अच्छा, नागानी आफत वो होती है जो कुदरत की तरफ से होती है, जैसे कि मौत वगैरह आ गई, जलजला आ गया, सलाब आ गया, तूफान आ गया, यानी अल्लाह की तरफ से, ठीक है। 35 वर्ल्ड गोस चेज, बेकार कोशिश, ठीक है। उसके बाद है नियर मिस, नियर मिस कामयाबी के नज़दीक, ठीक है। उसके बाद 37 पे आ जाए, ऑल एंड सन्ड्री, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब भी आप लिख सकते हैं, या दूसरा मीनिंग का आम और ख़ास, जैसे कि अगर आप अल्लाह के घर में हज करना चाहते हैं ना, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा जाता है कि बंदा अमीर है, इसका अलहदा इंतज़ाम किया जाएगा, हर बंदे के लिए एक ही रूल होता है, ठीक है। 38, उसके लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है, अ पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, इसका होता है एक ज़रूरी हिस्सा, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास 38 idioms हुए हैं, इसको दोबारा वाइस दिखाते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको नज़र आ जाएगी। देखिए, पहला है एन एप्पल ऑफ वन आई, ठीक है,
बहुत अजीज या प्यारा होना, ठीक है। उसके बाद अगला idiom है एन एप्पल पाई ऑर्डर तरतीब से। अगला हमारे पास है आफ्टर वंस ऑन हार्ट, अपनी पसंद के मुताबिक होना। अगला अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, नागानी आफत या मुसीबत। उसे अगला अ विल्ड, अच्छा ये मैं बता दूँ आपको ये विल्ड लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग ज़रा ना ताकि आपको क्लियर हो जाए, विल्ड ठीक है, डब्ल्यू आई एल डी, अ विल्ड वो चीज़ बेकार कोशिश। उसके बाद अंधेरा मिस कामयाबी के नज़दीक। ऑल एंड सेंडर आमो खास या अमीर व गरीब। और आपके पास अगला है अ पार्ट एंड पार्सल, एक ज़रूरी हिस्सा। अब आप उसको बड़े आराम से देख सकते हैं, इसलिए मैंने रिवाइज करवा दी ताकि किसी का कोई मिस ना हो जाए। अब चलते हैं 39 की तरफ। हाँ जी, 39 में हमारे पास आ रहा है एड फ्यूल टू फायर, एक मिनट आ रहा है, एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर, जलती पर तेल छिड़कना। अब होता अक्सर ये है ना कि बास का जब दो बंदों के दरमियान लड़ाई हो रही हो तो उसमें हाल ही होता है कि जो तीसरा बंदा वो आके सुलग रहे हैं, लेकिन बासों की आदत क्या होती है कि वो जाके ना और मसाला और तेल डाल देते हैं, क्योंकि आप जितना वो उस पर तेल डालेंगे वो और ज़्यादा आग बुलंद होगी। तो ये मुहावरा होंगे होकर इस्तेमाल किया जाता है। 40 आपके पास अ स्ट्रॉन्ग थ्रो, इसका मतलब होता है करीब ही, ठीक है। ये अब आपके कितने idioms हो गए, 40 idioms हो गए आपके, बहुत आसान है, मुश्किल कोई भी नहीं है। अगर तो आपकी ग्रामर अच्छी है, टेंस वगैरह आपको आते हैं तो आपको सिर्फ मीनिंग याद करने हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट का मसला ये होता है कि उनको टेंस नहीं आते हैं, उनको नहीं पता कि इसमें हेल्पिंग वर्ब किस तरह इस्तेमाल करनी है, तो उनके लिए बेहतर है कि वो याद कर लें ईजी वर्डिंग के सेंटेंस के, आप इम्तिहान में करने काफ़ी अच्छे। तो ये 10 नंबर के हैं, तो पूरे 10 नंबर आपने गेन करने हैं। तैयारी इस तरह से करेंगे ना तो मार्क्स तो बड़े ज़बरदस्त आएंगे फिर आपके। 41 पे आ जाए, उसके बाद है अ बर्ड ऑफ पैसेज, अ बर्ड ऑफ पैसेज जिसका मुस्तकील ठिकाना ना हो। मतलब जैसे कि अक्सर सुना होगा आपने बिल्लियों की तरह घर बदलना, यानी एक जगह पे ना रहना, क्योंकि बाज़ लोगों की एक आदत होती है कि वो एक जगह पे टिक नहीं सकते, वो बार बार तो जगह बदलते हैं। फिर हम इस तरह बंदे के लिए ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, कि इसका कोई तो एक जगह कोई परमानेंट है ही ठिकाना जहाँ ये रख सके, ठीक है। उसके बाद 42 अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, छुपी हुई रहमत। अभी छुपी हुई रहमत का मुहावरा भी आपको सर क्लियर कर दें कि क्या मतलब है इसका। बास का ये होता है कि जैसे कि आप जा रहे हैं, चले गाड़ी में जा रहे हैं आप, होता ही है कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अब एक्सीडेंट अगर आपका हो जाता है, या बास का ऐसे भी होता है कि आप घर से निकल रहे होते हैं लेकिन कोई चीज़ आपकी आप भूल जाते हैं, आपको वापस घर जाना पड़ता है जिसकी वजह से आपको लेट हो जाते हैं, तो ये कुदरत में छुपी रहमत होती है कि आगे हो सकता है कि इससे मज़ीद नुकसान होना हो, तो क्या हो कि वो आपको उस वक्त तो लग रहा होता है कि मेरे साथ बुरा हो गया, मैं लेट हो गया, लेकिन आप किसी और चीज़ से बच रहे होते हैं। तो ये चीज़ें सारे अल्लाह ताला के हाथ में, वो मामला भी अच्छी तरह से जानते हैं, ये मारो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 43 अब 43 में हमारे पास है एट अ स्ट्रेच, अच्छा ये वाजिया कर दूँ क्योंकि बाज़ स्टूडेंट कहते हैं कि जॉइंट राइटिंग में समझ नहीं आती, इसी तरह उसको हम वाजिया करते हैं। एट अ स्ट्रेच लगातार, मतलब मुसलसल आप लगातार काम कर रहे हैं, उसमें कोई रेस्ट वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 44 एंड ऑयली टंग, ज़रा फिर वाजिया करते हैं क्योंकि हमारा ये है कि स्टूडेंट को ना सही तरह समझ आ जाए, कि ये ना हो कि स्पेलिंग मिस्टेक है उसको हम समझ ना आ रही। ये आई है, ये एल है और ये वाई है, ठीक है। ओली टंग, ओली टंग खुश आमदी जबान, यानी ये मुंह पे तारीफ़ें करना, वो बंदा पीछे से आपको बुरा कह रहा हो, ठीक है, पीछे से बुरा कह रहा हो, दिल में भी क्या कर रहा है वो बुरा ही समझ रहा है आपको, लेकिन आपके सामने वो क्या कर रहा है कि वो आपकी तारीफ़ पे तारीफ़ करे जा रहा है। 45 अच्छा 45 पे आ जाए, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, हर फल मोला। अच्छा हर फल मोला का मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या चीज़ है, अजैब उन ट्रेडर्स उन वर्ड के लिए मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी चीज़ में माहिर तो नहीं होती है लेकिन हर चीज़ थोड़ी थोड़ी उन्होंने सीखी होती है। जैसे कि एक डॉक्टर की मिसाल लेते हैं जिसने MBBS किया होता है, ठीक है,
वो किसी चीज़ का प्रॉपर नॉलेज तो आपको देता नहीं है, लेकिन वो कहेगा चले बुखार हो गया या सर दर्द हो गया मैदे में है तो उसकी आपको मेडिसिन देता है। लेकिन अगर प्रॉपर की बात करें ना प्रॉपर, तो वो बंदा ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है। जैसे अगर मैदे का दर्द है जो स्पेशलाइज डॉक्टर होगा उसे ज़्यादा पता होगा कि क्या करना है। अगर हम आम डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो सिर्फ जस्ट आप ना इंजेक्शन ठोक देंगे, चलो जी इंजेक्शन लगा दिया, ये नहीं पता कि पीछे कौन सी बीमारी चल रही है। तो ये हमारी केस बहुत है हमारे मुल्क में। 46 पे आ जाएँ, ए बी सी, ये ऐसे ही है ठीक है। डॉट ए बी सी इसका मतलब होता है इब्तदाई इल्म, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपने सीख दिया उसका बेसिक नॉलेज लाजमी है। अगर आपको नहीं पता तो फिर क्या होगा, वो आपके लिए मुश्किलें होगी। जैसे कि अगर ये कॉमर्स की हम बात करें, अगर स्टूडेंट जो है मैट्रिक के बाद कॉमर्स में आते हैं तो चले वो तो एक नया सब्जेक्ट है, मैथ उसमें हो गया, अकाउंटिंग का थोड़ा सा उनका मसला होता है, लेकिन एक महीने के बाद अगर टीचर अच्छा हो तो वो रिकवर हो जाते हैं, तो उनके लिए आसान होता है। इसी तरह जब आईकॉम पार्ट वन टू के स्टूडेंट जो है बीकॉम में जाते हैं तो उनके लिए तो बहुत ईजी होता है, क्योंकि वो पूरा बुनियाद बना के आगे जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, एफ ई किया होता है, आई सी एस किया होता है, डायरेक्ट जो है बी कॉम में छलांग लगाते हैं। जब वो बी कॉम में जाते हैं तो उनके लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि उन्हें अकाउंटिंग की ए बी सी नहीं आती। हम आपको पार्ट वन और टू में क्या बेसिक सिखाते हैं, जब आपको बेसिक आती है, देखिए अगर आप आई कॉम पार्ट टू के हैं ना, अब अगर आपका आगे फ्यूचर प्लान है कि बी कॉम करना, तो बी कॉम तो आपके लिए बहुत ईजी है। आप कह दें कि 80% या 75% सारा कुछ आपको आता है, सिर्फ उसमें आपने इंग्लिश का इस्तेमाल, इंग्लिश की बुक्स होंगी, आप उर्दू में पढ़ते हैं वहाँ इंग्लिश में पढ़ना ठीक है। ये जी 46, साथ साथ आपको हम गाइड भी करते रहेंगे। अब दोबारा से आपको दिखा देते हैं, एड फ्यूल टू फायर, जल्दी पर तेरे छिड़कना, और स्टोन्स थ्रो करीब ही, अ वर्ड ऑफ पैसेज जिसका मुस्तकिल ठिकाना ना हो, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज छुपी हुई रहमत ठीक है, एट अ स्ट्रेच लगातार, उसके बाद एन ऑलिव टंग खुश आमदी जबान, और जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स हर फन मौला, यानी हर चीज़ का नॉलेज, ए डॉट बी डॉट सी इब्तदाई इल्म। तो ये टोटल आपके कितने हो गए हैं, 46 है ठीक है। किसी का भी कोई जुमला ना मिले तो सिर्फ आप उसका जो है ना सेंड वर्ड लिखते हैं, हम आपको जुमला भी सेंड कर देंगे ठीक है। कोशिश करें आप लोग की जो ईमेल आईडी है वो भी हमें दे दें ठीक है। अगर कमेंट्स में हो तो ईमेल आईडी में क्या होगा कि कोई फाइल वगैरह या कोई चीज़ हो गया तो हम उसको अटैच करके ईजिली भेज देंगे ठीक है। ईमेल आईडी जो स्टूडेंट्स है ना वो आपने दे दें हमें ठीक है। अब आगे चलते हैं 46 के बाद, 46 के बाद हमारे पास आ रहा है 47, हमारे पास यहाँ पर आ रहा है अजेल बर्ड, ये बहुत कॉमन एडियम है, अक्सर आ ही जाता है। आदि मुजरिम, आदि मुजरिम का मतलब है जो ही काम, जेल बर्ड का लिखा था हमने तो जेल बर्ड का मतलब होता है कि आदि मुजरिम ठीक है। अब 48 पे चलते हैं, 48 पे आपके पास है आज चाइल्ड प्ले, चाइल्ड प्ले, एक मिनट, चाइल्ड प्ले ठीक है। चाइल्ड प्ले का मतलब होता है आसान काम, आसान काम। उसके बाद है 49 है अगेन एंड अगेन, बार बार हर काम को बार बार करना, हिम्मत नहीं आनी क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। 50 आपके पास है एंड आयरन व्हील, आयरन व्हील मजबूत कुव्वत इरादी ठीक है, मजबूत कुव्वत इरादी यानी कोई एक फैसला कर लिया तो उसके ऊपर डटे रहना है, या कोई काम करने का इरादा किया तो उसको पूरा करना है, बीच में उसको छोड़ना नहीं है चाहे जो मर्जी लोग मातिक हैं। ये जी 50 आइटम्स हमारे पास हो गए हैं, फिर एक दफ़ा दिखाते हैं, अजेल बर्ड, आदि मुजरिम, चाइल्ड प्ले, आसान काम, अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड आयरन व्हील मजबूत कुव्वत इरादी ठीक है। 50 आइटम्स हो गए हैं, अब इसको याद करें, फिर एक बात आगे 51 पे भी चलते हैं, 30-30 आइटम्स से काफ़ी तैयारी हो जाएगी आपकी हर रोज़ करवा। 51 पे आपके पास है ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड कहते हैं गैर यकीनी सहारा, एक मिनट आ रही, सहारा ठीक है, यानी कोई ऐसा जो सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है आपको ठीक है, अनसर्टन है यानी। 52 एट 6 एंड 7 इसका मतलब होता है बेतरतीब से ठीक है, 8, 6 and 7 बेतरतीब से। 53 में आपके पास है अ क्लोज फिस्टेड मैन, फिस्टेड मैन कंजूस आदमी ठीक है। उसके बाद है 54 अ बी ठीक है इन
वन बोनेट, इसका मतलब है किसी चीज़ के बारे में अजीब ख्याल रखना, ठीक। ख्याल रखना, ठीक है, फिर दोबारा आपको बताएंगे ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। उसके बाद आपके पास है 55 में है अ फिशी स्टोरी। फिशी स्टोरी का मतलब है मशकूक कहानी, मतलब जो बंदा आपको कहानी सुना रहा है वो कोई हकीकी नहीं है, ठीक है। 55 हो गए, अब आपको दिखाते हैं अ ब्रोकन रीड, गैर यकीनी सहारा, एट 6 एंड 7, बेतरतीब से, अ क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी, अ बी इन वंस बोनेट, किसी चीज़ के बारे में अजीब ख्याल रखना। अ फिशी स्टोरी है मशकूक कहानी, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 56 पे आ रहे हैं, उसका है अ गाला डे। अ गाला डे खुशी का दिन, ठीक है। उसके बाद है 57 अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर बेचैनी। उसके बाद है 58 अ लाफिंग, अ लाफिंग स्टॉक, ओहो अ लाफिंग स्टॉक मजाक का निशाना, ये बात का लोग जो है दूसरे के ऊपर मजाक करते हैं उसके लिए फिगर इस्तेमाल करते हैं। 59 अ रेनी डे, अ रेनी डे मुश्किल वक्त, ठीक। उसके बाद है 60 पे आपके पास है अ स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक मुश्किल ओहो गपशप, ठीक है। अभी आपके कितने टोटल इडियट हो गए, 60। अब आप लोगों ने क्या करना, साथ साथ याद करना है, इससे पहले आपको रिवाइज करवा दें। अ गाला डे खुशी का दिन, अ फिश आउट ऑफ वाटर बेचैनी, अ लाफिंग स्टॉक मजाक का निशाना, अ रेनी डे मुश्किल वक्त, अ स्मॉल टॉक गपशप। तो आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ तैयार करना शुरू कर देना, क्योंकि जब आप एक दफ़ा तैयार कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ जो है बेल आइकन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।